हेलो किड्स, वेलकम टू खालसा मिट्टी फ्लावर स्कूल। सो किड्स, जैसा कि आप सभी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था चैप्टर 10 क्यों जी मन और कैसे कैसे लिया, राइट? क्यों जी मन और कैसे कैसे लिया, और उसमें हमने क्या लिखा था? दो क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए थे। क्वेश्चन नंबर 1 कठिन शब्द और 2 शब्दार्थ। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने सीडब्ल्यू नोटबुक में अच्छी राइटिंग में लिखा हो। अब आज हम शुरू करने वाले हैं विलोम शब्द। सो गेट रेडी फॉर इट, टेक आउट योर सीडब्ल्यू नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग विद मी। स्टार्ट करेंगे विलोम शब्द से। वन नंबर है आपका का। टू पढ़ना। थ्री अपना। फोर अच्छा। फाइव बिखरना। सिक्स गरम। ठीक है, क्रॉस करेंगे क्योंकि विलोम शब्द मतलब क्या होता है? अपोजिट। ठीक है, अब यहां कम तो क्या आएगा? जाएगा। ओके, फिर पढ़ना तो लिखना। अपना पराया। अच्छा बुरा। बिखरना समेटना। गरम ठंडा। ठीक है, कम ज्यादा पढ़ना लिखना अपना पराया अच्छा बुरा बिखरना समेटना गरम ठंडा। इस तरह से यहां पर ये विलोम शब्द कंप्लीट हुआ। अब उसके बाद हम लिखेंगे खाली जगह भरे। खाली जगह भरो। ठीक है, खाली जगह भरो मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स। वन नंबर, कभी दोनों से एक साथ। कभी दोनों से एक साथ मुलाकात हो गई। जैसा कि आप लोग चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर डैश में क्या आएगा। कभी दोनों से एक साथ डैश हो गई तो क्या हो गई? मुलाकात। मुलाकात। आपको पता है कि ये जो चैप्टर का नाम है क्यों जी मन और कैसे कैसे लिया, ये दो कैरेक्टर है, दो मेन कैरेक्टर है। एक कैरेक्टर का नाम है क्यों जी मन और दूसरे कैरेक्टर का नाम है कैसे कैसे लिया। क्यों जी मन वाला जो है वो पूछता है क्यों क्यों क्यों, और कैसे कैसे लिया जो है वो पूछता है कैसे कैसे कैसे, राइट? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको कैरेक्टर पता है तो उसी हिसाब से पूरा स्टोरी से रिलेटेड है। ओके, नाउ टू नंबर, गुरुजी। गुरु गुरुजी गेहूं पिसाने। गुरुजी गेहूं पिसाने साइकिल पर जाते हैं। साइकिल पर जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा? सा ई की ल, साइकिल पर जाते हैं। ओके, थ्री नंबर, आटे। आटे, आटे को सानेंगे। क्या करेंगे? सानेंगे, आटे को सानेंगे डैश फिर तवे पर पकाएंगे। पकाएंगे, ठीक है, फिर तवे पर पकाएंगे। तो क्या करेंगे? आटे को सानेंगे फिर क्या करेंगे? बेलेंगे। यहाँ पे क्या आएगा? बेलेंगे। ओके, फोर, आटे में, आटे में, आटे में चुटकी भर। चुटकी भर, चुटकी भर नमक डालेंगे। डालेंगे, ठीक है, क्या डालेंगे? नमक। नमक,
फाइव नंबर साइकिल सा ई की ल। साइकिल पर सवार, साइकिल पर सवार, साइकिल पर सवार फुर हो जाते हैं। कौन फुर हो जाते हैं? फुर हो जाते हैं, ठीक है। तो साइकिल पर कौन फुर हो जाते हैं? गुरुजी। गुरुजी क्यों फुर हो जाते हैं? क्योंकि ये जो दो बंदे हैं क्योंजी और कैसे कैसे लिया, उन्हें बहुत डिस्टर्ब करते हैं, राइट। उसके बाद ये आपका हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सही गलत का निशान लगाओ। तो एक बार इसे रीड कर लेते हैं। कभी दोनों से एक साल मुलाकात हो गई। गुरुजी गेहूं पिसाने साइकिल पर जाते हैं। आटे को सानेंगे, बेलेंगे, फिर तवे पर पकाएंगे। आटे में चुटकी भर नमक डालेंगे। साइकिल पर सवार गुरुजी फुर हो जाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो खाली स्थान, विलोम शब्द, दो क्वेश्चन आपको पीसीडब्ल्यू में अच्छी राइटिंग में लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सही गलत का निशान लगाओ। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम? वन नंबर, क्यों जी मल, क्यों जी मल, क्यों जी मल एक बूढ़ा आदमी था। क्या आएगा इसका आंसर? क्यों जी मल कैसा आदमी था? बुढ़ा आदमी था? नो, रॉन्ग। पिक्चर में भी दिया हुआ है क्योंजी मल एक यंग पर्सन था। ठीक है, टू नंबर, गुरुजी पैदल जा रहे थे। गुरुजी पैदल जा रहे थे, बिल्कुल गलत। गुरुजी साइकिल से जा रहे थे। ठीक है, थ्री नंबर, गुरुजी को गेहूं पिसाना था। गेहूं पिसाना था। ठीक है, क्या आंसर आएगा? बिल्कुल सही, गुरुजी को गेहूं, सॉरी, सही आंसर है, ये राइट है, गुरुजी को गेहूं पिसाना था। ओके, फोर नंबर, रोटी को बिना बेले बना सकते हैं। रोटी को बिना बेले बना सकते हैं, इज दिस राइट? क्या ऐसा हो सकता है? नो, गलत। रोटी को बिना बेले नहीं बना सकते हैं। फाइव नंबर, आटे में नमक डालते हैं। आटे में नमक डालते हैं। ठीक है, तो ये आपका आंसर क्या होगा? राइट, आटे में नमक डालते हैं। चलिए एक बार इसको फिर से रीड करते हैं। क्यों जी मल एक बूढ़ा आदमी था, गलत। गुरुजी पैदल जा रहे थे, गलत। गुरुजी को गेहूं पिसाना था, राइट। गुरु रोटी को बिना बेले बना सकते हैं, गलत। आटे में नमक डालते हैं, राइट। तो किड्स, फाइनली यहाँ पर आपका कठिन शब्द, शब्दार्थ, विलोम शब्द, सही गलत पर निशान लगाएं और खाली स्थान भरो। इतने क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। आपको इसे अपनी अच्छी राइटिंग में सीडब्ल्यू नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लेना है, बाय हार्ट भी करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो गो थ्रू द वीडियो अगेन एंड अगेन, लर्न द क्वेश्चन, लर्न द ऑल एक्सरसाइज जो भी आपको वीडियो में जा चुका है। ठीक है, so I hope you understood these all kind of questions are very well. Till then, bye bye, take care.